अच्छा इंतजाम है कि पब्लिक साथ होती है तो सच्चे फिर सब काम कामयाब होते हैं। तो पूरे हाड़ौती के अंदर जो माहौल मैं देख रहा हूँ उससे लगता है कि बहुत शानदार तरीके से यात्रा चलेगी, कामयाब होगी और आम जनता के साथ चलेगी। और झालावाड़ जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ भी मैं जाके आया हूँ, वहाँ पे मैं रास्ते में रुका गांव के अंदर भी, तो ग्रामीण वासियों में बहुत उत्साह है क्योंकि मैंने छोटे बच्चों को पूछा, बच्चे बड़े खुश थे। तो यात्रा जो पूरे कंट्री में चल रही है 2000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है, उसके अंदर जो आजकल जो सोशल मीडिया है बच्चे भी बूढ़े भी सब देखते हैं कि क्या कारवा चल रहा है और क्यों चल रहा है। ये गांव-गांव घर-घर में चर्चा हो गई कि महंगाई को लेकर चल रहा है, बेरोजगारी को लेकर चल रहा है। शांति अहिंसा रहनी चाहिए देश के अंदर, तनाव नहीं होनी चाहिए, उतनी चल रहा है। और जो समस्याएं हैं देश के सामने, जो गवर्नमेंट का दबाव है जुडिशरी पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईडी इनकम टैक्स CBI पर, वो भी मुद्दा बन चुका है देश के अंदर। इस तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं, उससे केंद्र में दबाव पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों को देखना चाहिए कि जनता में मुद्दा क्या है। अगर मुद्दा महंगाई का है तो महंगाई कम करने का प्रयास तो करूँ। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, असंतोष है नौजवानों में, प्रयास करो कि नौकरी लगे प्राइवेट और सरकारी और गैर सरकारी, और देश में शांति सद्भाव रहे। और दबाव बनाए रखा आपने जुडिशरी में, अगर जुडिशरी पर दबाव होगा तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा, कोई न्याय नहीं मिलता मनुष्य सरकार में पुलिस के अंदर, तो जुडिशरी के रास्ते खुले रहते हैं। वो दबाव में काम करेगी तो क्या होगा देश का, ये सब चिंता के विषय बने हुए देश के अंदर, देश भारी चिंतित है देश में। ये ऐसी यात्रा है जो इस प्रकार नॉन पॉलिटिकल भी है, ये इस यात्रा में कोई भी आ सकता है। मेजा पाटेकर जी आई थी, मैं गुजरात में था, लोगों ने आलोचना करी कि तो हमारे खिलाफ आंदोलन किए थे, हमने क्या आंदोलन की जगह आंदोलन था उनका, ये अभी नैतिक समर्थन देना आई राहुल गांधी जी को। अगर RSS या BJP का आदमी भी आना चाहे इन मुद्दों को लेके तो किसको ऐतराज है। और ये बात राहुल जी ने बाद में कही, तो मेरा मतलब कि ये यात्रा एक आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी यात्रा है, कठिन यात्रा है और सफल यात्रा है। सर, इस यात्रा के साथ में BJP ने जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी, वो उनकी फिर हो रही है, लोग जुड़ने लगे। सर, गुजरात चुनाव के बारे में क्या टिप्पणी है? क्योंकि 4 साल तक हमारी सरकार ने जो फैसले किए हैं वो ऐसे फैसले जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग OPS, इंक्लूडिंग चिरंजीव योजना, इंक्लूडिंग पुरान योजना जो महिलाओं के लिए है नैपकिन की, ये फैसले हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। तो जनता कन्विंस है सरकार के कामों से, हर विधानसभा क्षेत्र में जो मांगा हमने सब दिया है, तो इतनी उपलब्धि है कहने के लिए। जनता जुड़ती तब है जब ये मुद्दे हों, हमने इनको मौका दिए नहीं मुद्दे का, तो वो क्या संघर्ष करे क्या विरोध करे। अब चुनाव आए तो चुनाव जीतने के लिए वो झूठ बोलते हैं, बैंकों का ऋण माफ नहीं हुआ, झूठे वादे कर दिए। जब जिनके ऋण माफ़ हुए हैं 22 लाख लोगों के, उनमें आक्रोश है कि माफ़ हमारे 5 लाख भी हुए, 6 लाख भी हुए, 2 लाख भी हुए, 1 लाख भी हुए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो उनके झूठ का पर्दाफाश वो खुद ही कर रहे हैं। JP नड्डा ने बोला है कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, ये तो हमारा आरोप उनके ऊपर है, जो UPA गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो नाम बदल बदल के काम चलाए मोदी जी खुद ने, नड्डा साहब को मालूम होना चाहिए। गुजरात चुनाव के बारे में क्या टिप्पणी है सर? चुनाव चौंकाने वाले परिणाम आएंगे मुझे लगता है, सरकार विरोधी भयंकरवान लहर है, मैं कह चुका हूँ। पहला फेज भी अच्छा निकला है, दूसरा फेज भी अच्छा होगा, और हमने वचन दिए वहाँ पर निभाएंगे। जो यात्रा के पहले जो सियासी उठा पटक थी उसमें क्या पूर्ण विराम लग गया या पुलिस स्टॉप लग गया?